क्रिकेट तो कुछ सालों से कवर कर रही हूँ, पर ये पहला मेरा आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है 50 ओवर का। और एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था जब मुझे बताया गया था कि मैं ये वर्ल्ड कप कर रही हूँ और जब इन्फॉर्मेशन आया। पर इसी ऐतिहासिक पल के अंदर एक बहुत ही स्पेशल हिस्टोरिक स्पेशल मोमेंट मेरे साथ हुआ। मुंबई के मैदान में जब मैं मैच कवर कर रही थी साउथ अफ्रीका वर्सेज बांग्लादेश, तो वहाँ पर मुझे ऑनर दिया गया टू कैरी द वर्ल्ड कप ट्रॉफी ऑन टू द ग्राउंड। वैसे तो काफ़ी मैचेस के अंदर ऑफकोर्स लेड बाय मिस्टर सचिन तेंदुलकर और कैप्टन्स को भी मौका दिया गया और प्लेयर्स को भी मौका दिया गया वर्ल्ड कप ट्रॉफी हैंडल करने का, पर मेरे लिए ये एक स्पेशल मोमेंट था। इट वॉज अ लैंडमार्क मोमेंट फॉर मी। और ये लैंडमार्क मोमेंट सिर्फ एक पल में नहीं हुआ था। थोड़ी देर पहले जब ट्रॉफी ले जाने से कुछ देर पहले मुझे बताया गया कि मैं आज ट्रॉफी ग्राउंड के ऊपर कैरी कर रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा अजीब सा मोमेंट था कि मैंने कहा मैं कैसे मुंबई के अंदर, आई एम श्योर देर आर अदर कैप्टन्स, और मुझे कभी लगा भी नहीं था कि एज अ वुमन क्रिकेटर ये अवसर प्रदान होगा कैरिंग अ मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी ऑन द ग्राउंड। तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा और मैं बिलीव नहीं कर रही थी, पर ये ना बिलीव करने और रियलिटी के बीच में कुल 25 से 30 मिनट थे जब कॉन्फर्मेशन आया और फिर बताया गया कि ये ट्रॉफी और आपने कैरी करके जाके बीच में प्लिंथ के ऊपर रखनी है। सो देर आई वॉज एक्चुअली लिविंग द मोमेंट, लिविंग अ स्पेशल मोमेंट विच आई हैड नॉट ऑब्वियसली ड्रीम्ड ऑफ, जस्ट आई हैड थॉट ऑफ। कभी सोचा था क्या पता कभी वो विश्व कप की ट्रॉफी मेरे हाथ में आएगी या नहीं आएगी, पर देर इट वॉज कैरिंग, होल्डिंग दैट ट्रॉफी, क्रॉसिंग द बाउंड्री रोप्स, वॉकिंग अप टू द प्लिंथ, वहां पर जाके एक हैवी वर्ल्ड कप ट्रॉफी रखी और मुड़ के एक फोटोग्राफ खिंचवाई। व्हाट अ मोमेंट इट वॉज, इट वॉज एब्सोल्युटली मैजिकल, वन ऑफ दोज स्पेशल मोमेंट्स विच विल ऑलवेज रिमेन वेरी क्लोज टू माई हार्ट in the sphere of covering cricket and as a cricketer.